Yes. Good evening, students. फाइव मिनट लेट करो सब, थोड़ा टाइम लग जाता होगा लाइव. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग. सर अभी बोलेंगे हम आएंगे तब गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी. जय माता दी, जय माता दी, जय हिंद, जय हिंद. सभी को जय हिंद. आगे से कोई भी जय श्री राम, जय माता दी ना बोलकर सीधा जय हिंद बोलिएगा. भगवान अपने दिल में है, अल्लाह भगवान जो भी अपने मन में है, जय हिंद बोलेंगे आगे से. हर जगह जय हिंद बोलेंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जय हिंद, जय हिंद. सभी बच्चों को जय हिंद. आदत बना लीजिए. अजय सेइंग गुड इवनिंग सर, यू आर लुकिंग फैबुलस, थैंक यू वेरी मच. हेलो, गुड इवनिंग. जय हिंद, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू दीपिका, थैंक यू. जय हिंद बोलिएगा ताकि मजा आए, आदत बना लीजिए. हेलो वीना, हेलो वीना इज देयर ना, गुड. लुकिंग हैंडसम, थैंक यू. सोनिया इज सेइंग आ गए क्या? आए नहीं है जी, जा रहे हैं अभी हम. आप कहाँ रह गए? जय हिंद, जय हिंद सुमन, जय हिंद. विकास इज सेइंग हाउ आर यू सर, एज फिट एज अ फिडल, फैबुलस, फैंटास्टिक, एब्यूलियंट, जुबिलेंट, अलाइव एंड किकिंग, सेफ एंड साउंड, हेल एंड हार्टी, साउंड इन विंड एंड लिम. कुछ भी बोल दीजिए, सबका मतलब यही कि होता है भला, चंगा, चुस्त, दुरुस्त, मजे में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कल की क्लास में बच्चों अपन लोगों ने किसके बारे में, ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने ये देखा कि प्लॉसिव कितने होते हैं, एफ्रिकेट्स कितने होते हैं, फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं. टाई नॉट इज वेरी फाइन, थैंक यू नेहा, थैंक यू. एक्चुअली आई ऑलवेज वेयर टाई. ये अभी मैं थोड़े दिनों में, भले ही बिंदिया को तो भगवान शंकर कौन समझ पाए, अब मैं क्या समझ रहे. नहीं मुनिराम, आज बिंदिया का इलाज करेंगे पक्का. आइए बोर्ड पर देखिएगा अभी आप. एक्चुअली है क्या उसको देखिएगा. कम ऑन, कल की क्लास में हमने प्लॉसिव देखा बच्चों. प्लॉसिव जो संख्या में कितने थे बच्चों? छ. पे बे टे डे के गे, ठीक है. फिर आपने देखा था बच्चों कौन सा? एफ्रिकेट्स. एफ्रिकेटिव के बारे में, एफ्रिकेट के बारे में हमने डिस्कस किया था. एफ्रिकेट बोल दो चाहे. दो थे बच्चों, छ और ज था. फिर हमने देखा फ्रिकेटिव्स था बच्चों. फ्रिकेटिव में हमने नो देखा. फ व थ द स ज ष ज ह, ठीक है. थैंक यू दीपा, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. प्लॉसिव, एफ्रिकेटिव, फ्रिकेटिव. उसके बाद में आपने देखा बच्चों कौन सा साउंड था? नेजल. नेजल में हमने तीन देखा था. मैनेंग, ठीक है. लेटरल, लेटरल में एक था बच्चों, एल वाला था. फिर अप्रोक्सीमेंट्स में हमने देखा था.
फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट, एक था सेमी वाउल्स बच्चों, दो थे, टोटल काउंट कर लीजिएगा, 6, 2, 8, 9, 17, 17 और 3, 20, 21, 22, 23 और 24, 24 साउंड आ गए। आई नेवर इंटरेस्टेड इन लाइव क्लासेस बिकॉज ऑफ यू, नाउ आई हैव इंटरेस्टेड इन स्पेशली योर, थैंक यू मंजू, थैंक यू वेरी मच। अपने को बहुत अच्छा टीचर भी बनना है, केवल यहीं तक ही काम नहीं निकालना है, सभी क्लासेस को अच्छा लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, रीड पर फोकस कीजिए, और उसके बाद में अपने को टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करना है, और आगे अपने को स्कूल की बजाय कोचिंग इंडस्ट्री में आना है और यहाँ पर अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन करना है, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा डिलीवर करेंगे, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर ओनली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ठीक है, जितना मेरे से सपोर्ट हो पाएगा आई विल डेफिनेटली जस्ट गिव यू ऑल। हाँ, एवरी ईयर मैं 1 to 2 स्टूडेंट्स को हमेशा एक ट्रेनिंग टाइप देता हूँ, और एक दो स्टूडेंट्स को टीचर बना के 50-60 हज़ार रुपये के लायक बना देता हूँ उनको, 5-6 मतलब आदमी को 1 ईयर के लगभग अप्रोक्स बिताना होता है, मेरे साथ साथ क्लासेज में ले जाता हूँ, वहाँ मेरी एब्सेंस में कई बार क्लासेज लिया, क्या लिया, तो सब चीज़ें बढ़िया तरीके से अच्छी हो जाएंगी। मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दूंगा, मैं आपको एक अच्छा, मैं कहूँ कि आपको एक स्टेज पर खड़ा करने की मेरी जिम्मेदारी है, आगे परफॉर्मेंस आपको करना है। सुलोचना, वॉन्ट प्लस ईडी में डे बोला जाएगा या टे? बेटा ना तो डे बोला जाएगा ना टे बोला जाएगा, किसी भी वर्ड के एंड में टे और डे आने पर इड बोला जाएगा, सो वॉन्टिड आएगा, वॉन्टिड बेटा सुलोचना, वॉन्टिड, ठीक है। तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है हर एक दिन, इंग्लिश में अपना फ्यूचर ब्राइट है। यदि आपको पता है अभी लोगों को ढंग से हिंदी तक नहीं बोलनी आती है, तो इंग्लिश तो बहुत आगे तक अपन जा सकते हैं इंग्लिश के अंदर। मेरा सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहेगा, ठीक है। टीचर्स बिल्कुल मतलब मार्केट में नए के बराबर स्केर्सिटी ऑफ इंग्लिश टीचर्स आप देख सकते हैं, मार्केट में पूरा वैक्यूम है, आप अच्छी पढ़ाई करके उस जगह को फिल कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए दोस्ती आप लोगों को किताबों से रखनी होगी, और कुछ भी हो बट 3 to 4 hours का हमें डेली स्टडी करना होगा, ठीक है। पहले आप सिलेक्शन लीजिएगा, और सिलेक्शन के बाद में, ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ रहेंगे, आप जब भी किसी का या तो मेरा सीकर रहना होता है या जयपुर, तो जब भी कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कि सर मैं इस प्रकार से रहूँगा, तो डेफिनेटली आप अपने इस स्तर पे आप आके और बढ़िया तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करने के लिए आई बी देयर। कम ऑन, आगे चलिएगा। तो आगे देखिएगा, प्लोसिव 6 हैं, प्लोसिव को याद करने का बच्चों मैंने तरीका बताया था, प्लोसिव स्टार्ट पी से ही होते हैं, तो आपने देखा पे बे टे डे के गे, एफ्रिकेट दो थे, चे और जे थे, फ्रिकेटिव 9 है एफ से ही। आई वॉन्ट टू बी ट्रू टीचर, डेफिनेटली मुनीरा, यू आर मोस्ट वेलकम। आगे देखा है फे वे थे दे से ज श ज है, ठीक है, और आगे देखा नेजल तो मैनेंगे, लेटरल देखो बच्चे एल से आ रहा है लेटर, 3 तो सीधे सीधे पढ़े, रटने नहीं पड़ रहे हैं, लोग फालतू का माहौल बनाते हैं कि मैनर वाइज ये होगा, प्लेस वाइज ये होगा। अब मैं आज आपको थोड़ा सा प्लेस वाइज और बता देता हूं ताकि कोई समस्या नहीं हो। आइए बच्चों, प्लेस वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे आज अपन, प्लेस वाइज क्लासिफिकेशन, ठीक है, गुड टीचर विद, थैंक यू। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों आज, कौन सा साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, थैंक यू सर, जीना सिखा दिया आपने, लव यू सर, थैंक यू विकास, थैंक यू। आइए सबसे पहले मैं आपके सामने साउंड रख रहा हूं, बाइलेबियल, कौन से हैं बच्चों, बाइलेबियल, वे साउंड जो दोनों लिप्स से बोले जाते हैं, बाई का मतलब दो होता है, टू लिप्स की सहायता से बोले जाएंगे, तो वो बोल बोल के आप देख लो कौन कौन से हो सकते हैं, पे बे, देखो पे में बंद हो रहा है, बे में बंद हो रहा है, मैं और वे,
वे भी डब्लू वाला, देखो दोनों वे में अंतर भी है बच्चों। ये डब्लू वाला जो है ना, ये तो डब्लू वाला वे, ये तो देखो लिप्स से बोला जाएगा, दोनों लिप्स को राउंड करना होता है, वे वे वे। और वो वाला जो वे है ना, वैन वाला, वी वाला, वो ऐसे बोला जाएगा, वैन वैन। लोअर लिप और अपर टीथ, लोअर लिप तो ये लेबियोडेंटल, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, बाइलेबियल लिप्स का टेक्निकल नाम वहां लेबियल होता है, लेबियो लेबियल बाइलेबियल, जो दोनों लिप्स से बोले जाएं। मेरे हिसाब से चारों के चारों हो गए हैं। बताओ बच्चों कौन कौन सा, प हर जगह अपना सीक्वेंस काम आ रहा है, यहां नहीं आएगा लेकिन, है ना, प ब मैं, प ब मैं, व। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। दो नंबर देख लीजिए बच्चों, लेबियोडेंटल, ये लीजिए बच्चों लेबियोडेंटल, क्या देखने को मिला है, लेबियोडेंटल। आप फालतू का माहौल नहीं बनाना है, बड़ा मजा आता है, इस पे ध्यान दो। लेबियो आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके, थैंक यू वेरी मच, मुझे मजा आने लग गया क्योंकि आपको भी मजा आने लग गया। जब स्टूडेंट को आनंद आने लग जाता है तो टीचर को लास्ट में कॉमेंट करना बच्चों, सबके सब, पहले नहीं, ठीक है ना। लेबियो का मतलब तो लिप्स होता ही है, देखो ये लेबियल, और डेंटल का मतलब दांत। जब आप लोग क्या देखेंगे, लोअर लिप प्लस टीथ से बोला जाए तो वो क्या होगा बच्चों, लेबियो डेंटल होगा। दो साउंड है बच्चों, फ व, हम फ फ ऐसे बोलते हैं, फ व फ व फ व। तीसरा आ गया बच्चों डेंटल, जो दांतों से बोला जाता है, देख लीजिएगा दांतों से, थे द, थे से थीटा। मैं दिल्ली जाकर आया हूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा, आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाके आया हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली। ट्रांसलेशन की क्लास बेटा स्पोकन भी करना, आप दिल्ली आप ट्रांसलेशन के लिए पूछते रहते हैं, उसके लिए अपन थोड़ा दूसरी क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आप भटको मत प्लीज। यहां पर डेंटल होते हैं जो दांत से बोले जाते हैं बच्चों, कौन से हैं जरा आप वो भी देख लीजिए, आप दो ही हैं, थे और द। आठ ध्वनियों का क्लासिफिकेशन अपन ने बहुत अच्छे से कर लिया, कौन कौन से ऐसे हैं जो अपने दोनों लिप्स से बोले जाएंगे, प ब मैं व, प ब मैं व, प ब मैं व। लोअर लिप और अपर टीथ, लेबियोडेंटल, लिप्स और दांत दोनों मिल जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है लेबियोडेंटल। तो इसमें आपने दो देखा, फ व फ व फ व। दांतों के लिए बात आया तो कौन सा देखा आप लोगों ने, थ द, क्या देखने को मिला, थ द, ठीक है, थ द। चार नंबर का आ गया बच्चों कौन सा, एल्वियोलर, बच्चों ये अपना पैलेट है, तालू, अपने जो ऊपर का जो अपना जो मुंह है, मुंह की जो ऊपर की छत, द रूफ ऑफ आर माउथ इज कॉल्ड क्या, मंजू कह रही है बेटा पीएच का पही तो है ना, मंजू पंचल, मंजू पंचल क्या बोल रहे, पीएच, पीएच का कोई साउंड तो नहीं है, साउंड तो 24 है, 24 में पीएच कहां से आ गया, फे फे को ऐसे नहीं बोला जाता, फे वे, फे वे। आइए सर,
मैं तालू की बात कर रहा हूं, जो अपने मुंह के जो ऊपर का भाग है ये पूरा का पूरा द रूफ ऑफ आर माउथ इज कॉल्ड पैलेट तालू। तालू में देखिएगा यहां तो अपने क्या है, इस जगह अपन देखते हैं बच्चों ये दांत लटके हुए हैं, ये दांत है अपने यहां। इस दांत के ऊपर थोड़ा सा देखिए, दांत के ऊपर जो थोड़ा सा यहां खुरदड़ा सा भाग है, ऐसे ऐसे लाइन सी लाइन है, जरा देखो जीभ को ऊपर ले जाओ, दांत के थोड़ा सा ऊपर लगाओ, इसको बोलते हैं बच्चों एल्वियोलर रिच। एल्वियोलर रिच सरिता चौधरी, सर जी मैंने प्लेलिस्ट से आपकी वर्ब अग्रीमेंट क्लासेस आस्क बहुत आप बहुत ली है, आप बहुत अच्छा स्टडी करवाते हो, थैंक सर जी, थैंक यू। देखिए सर इसके थोड़ा सा जो पीछे अपने दांत अपनी जीभ को ऊपर ले जाइए, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे दांत के, तो ये तो दांतों के ऊपर तो एल्वियोलर रिच है, इसके थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट एल्वोलियर। थोड़ा पीछे आ गया तो पोस्ट नाम आ गया, पोस्ट का मतलब ही बाद में होता है, एल्वियोलर से थोड़ा पीछे पोस्ट एल्वियोलर आ जाएगा, बीच वाला भाग पैलेट हो जाएगा और पीछे वाला आ जाएगा सॉफ्ट पैलेट। पीछे ही पीछे ले जाओ अपनी जीभ को, पीछे पीछे बिल्कुल सॉफ्ट सा है, लगा के देखिए पीछे, सॉफ्ट पैलेट बोल दो या फिर उसका नाम वेलर बोल दो या वेलम बोल दो, एक ही बात है, वेलर बोल दो वेलम बोल दो। बट लाइव आज ही ली है क्या, पीछे देखो। हाँ बेटा सरिता पीछे का भी देख लो, बाकी आप मेरे से और डिस्कशन कर लेना, बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा ठीक है किस हिसाब से करना, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं सभी स्टूडेंट्स को, आप उस समय डिस्कशन कर लेना मेरे से ठीक है। हाँ जी अभी एक बार मुझे चलने दो प्लीज। वेलर, तो एक एक चीज को हमने देखा है कि ऊपर वाला जो भाग है दांतों के ऊपर वाला, ठीक जहां से दांत अपने मसूड़ों के साथ जकड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं एल्वियोलर रिच। इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे पोस्ट एल्वियोलर, बीच वाला भाग अपना पैलेट आ ही गया तालू, और पीछे वाला जो सॉफ्ट पैलेट है उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, वेलर बोलेंगे, और इसके नीचे अपना गला आ ही गया, फिर एल्वियोलर पोस्ट एल्वियोलर। और पोस्ट एल्वियोलर जो है ना, ये पोस्ट इसके थोड़ा सा ही इधर वाला, इसको हम बोलेंगे पैलेटो एल्वियोलर। क्या बोलेंगे, पैलेटो एल्वियोलर। चार भाग हो गए देखना, एल्वियोलर रिच, पोस्ट एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर, पैलेट और लास्ट का सॉफ्ट पैलेट, पांच भाग हो गए ठीक है, फाइव पार्ट्स हो गए, फाइव पार्ट्स ओके माय डियर। ऊपर के तालू के अपने, एक तो पीछे पीछे वाला सॉफ्ट है, बिल्कुल आगे वाला हार्ड है जिसपे खुरदड़ा है एल्वियोलर, पीछे पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट वेलम, एल्वियोलर के थोड़ा सा ठीक पीछे जहां पर भी ये लाइन सी लगी हुई है पोस्ट एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर के थोड़ा सा बीच में क्या गया है पैलेटो एल्वियोलर, और बिल्कुल बीच का सा भाग है तो क्या है पैलेटल, पैलेटल बोल दो। आगे चलिए, पीछे आओ फिर से, ये रहा तो एल्वियोलर समझ गए, दांत के ऊपर वाला भाग जो है उसको बोला है ठीक है। एल्वियोलर कौन कौन से हैं ये देखिएगा, तो थे दे तो दांत से बोले जाते हैं, थे दे दांत से थोड़ा सा ऊपर, टेड 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 थे द के बाद में क्या गया टेड थे टेड। सर जी आपके कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया, चाहे तो लास्ट में बता देना, लास्ट में बात करेंगे। टेड टेड ठीक है, टेड के अलावा देखिएगा टेड
सहज सहज न ल न और ल, 1 2 3 4 5 6 सबसे ज्यादा साउंड यहीं से निकलते हैं एल्वियोलर से। सर जी गिव के नेम हिंदी और इंग्लिश में लिखवा दो प्लीज। इनके इनका कोई नाम हिंदी होता ही नहीं है, मैं कहां से लिखवा दूं। हार्ड पैलेट सुन लीजिए, सबसे पहले मुंह से शुरू होता है साउंड, यहां से किया हमने प ब म व, वापस से बोलो प ब म व, हो गए चार साउंड। फिर अभी तो दोनों लिप्स, फिर लिप और दांत का लेबियो डेंटल, तो कौन सा था बोलो, इसमें दो थे, कौन सा फ व। हाँ नरेंद्र ने लिखे भेज दिए, बहुत बढ़िया नरेंद्र, ये नंबर भेज दिए नरेंद्र ने, फ व फ व, क्या भेजे बोलो आपने, फ व, दांत से दो हैं थ द, दांत से थोड़ा सा आगे ट ड स ज, ट ड स ज न ल, ट ड स ज न ल। एल्वियोलर के बाद में बच्चे आ गया पोस्ट एल्वियोलर, कौन सा आ गया बच्चों, पोस्ट एल्वियोलर। पोस्ट एल्वियोलर में केवल र र, इससे थोड़ा सा आगे जाएगा साउंड र। ठीक है र र, फिर से देखो प ब म व फ व, फिर आगे हमने देखा है कौन सा, कौन सा था दांतों वाला थे द, थे द के बाद में आपने देखा ट ड स ज न ल, ट ड स ज न ल, पोस्ट एल्वियोलर र था। पैलेटो एल्वियोलर, छह नंबर पर आ जाओ बच्चों, पैलेटो एल्वियोलर लगभग बीच में से आएंगे, च ज च ज, पैलेटो एल्वियोलर देखो जरा, च और ज इसी से ही क्या बन गया, देखो श श और ये रहा ज, एक जैसे ही बन गए ना, श ज। ठीक है आगे देखिएगा, पैलेटो एल्वियोलर के बाद में अब अबाउट टू कंप्लीट पैलेटल, ये वेलर बोले तो पीछे की तरफ से जो साउंड आएगा वेलर में, पीछे की तरफ सॉफ्ट वेलर, सॉफ्ट पैलेट वेलर वेलर, क ग क ग, अंग और ग्लोटल गले से जो साउंड निकलता है बच्चों वो है, जो गला होता है उससे जो साउंड निकलेगा उससे ये बोलेंगे है। देखो गले में ऐसा लगता है जैसे पूरा पूरा मुंह ऐसे ओपन रख के बोल दो है, गले से आ रहा है, गले के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट वेलर है, क ग जीभ उठ रही है और ऊपर थोड़ी ऊपर की तरफ थोड़ा सा जा रही है, क ग अंग क ग अंग, ठीक है उसे थोड़ा सा आगे आए ये पैलेटो एल्वियोलर में, देखो च ज च ज च ज श ष ज,
ऐसा देख लिया। प ब म व बाइलेबियल, फिर आपने देखा फ व लेबियोडेंटल, थे द एल्वियोलर में देखा ट ड स ज न ल, ठीक है। और लास्ट में आपने देखा यहां पर पैलेटल में ये क ग अंग है। टोटल हो गए बच्चों, काउंट कर सकते हैं आप। एक तीन, एक चार, नाइन तो इधर हो गए बच्चों, नाइन और फोर थर्टीन, थर्टीन और टू फिफ्टीन, फिफ्टीन और टू सेवनटीन, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, सेवनटीन और सिक्स वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवनटीन थ्री ट्वेंटी थ्री और वन ट्वेंटी फोर। इस प्रकार से बच्चों अपना कॉन्सोनेंट से रिलेटेड तमाम जानकारी हुई पूरी। कॉन्सोनेंट साउंड में कोई और प्रॉब्लम हो तो बता दो। कोई आपसे पूछ ले कि बच्चों कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर, माउथ एक्सप्रेशन काबिलियत तारीफ, मैं सब बता दूंगा आपको, चिंता ना करें। इनसे कोई भी क्वेश्चन आज तक तो आया नहीं है। हां, कॉन्सोनेंट क्लस्टर कंप्लीट हो गया जब दो या दो से अधिक कॉन्सनेंट्स बिना वाउल के यूज हो। तो इसे कॉन्सनेंट क्लस्टर कहा जाता है, कॉन्सनेंट क्लस्टर कहा जाता है। मेरे हिसाब से तो मैंने आपके लिए एक भी चीज नहीं छोड़ी है बच्चों। नहीं पूछे जाते हैं दीपिका, कॉन्सनेंट क्लस्टर। इनिशियल और एंड दो होते हैं। शुरू में आ जाए तो शुरू वाला माना जाएगा और एंड वाला आ जाए तो एंड में। वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर टॉट बाय निधि गुजर, थैंक यू निधि। वन ऑफ द बेस्ट टीचर की बजाय बच्चे टीचर्स लगाना, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। आई को आप कैपिटल लेटर में लिखें, गुड अटेम्प्ट, आपका अच्छा अटेम्प्ट लगा। एंड आई हैव एवर टॉट बाय, आई हैव एवर बीन टॉट बाय करना, बीन और लगाना। जरा देखिएगा, इनिशियल में एक वर्ड लिखा है मैंने ई, सॉरी ई एक्स टी आर ए, एक्सट्रा, ये एग्जाम्पल आ गया। शुरू में देखो बच्चों, सॉरी यहां पर देखिए, एक दो तीन चार आपने काउंट किया और चार चार यहां पर कॉन्सनेंट आए हैं। किसके बिना आए हैं आप ये भी देख लीजिएगा, बिना वाउल के आए हैं।
इसीलिए अपन इनको क्या बोलने वाले हैं, कॉन्सनेंट क्लस्टर बोलेंगे। जल्दी करें, उसी प्रकार से आप चाहो तो एक और वर्ड इधर ले लिया, ए डी ओ पी टी एस। तो देख लो बच्चों, अडॉप्ट्स लास्ट में थोड़ा सा देखिए, आपको पता लग जाएगा, एक दो तीन, तीन एक साथ आ गए हैं, अडॉप्ट्स। Adopts. मुनीराम कह रहा है सर हम तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो पूर्ण है। आपने वीडियोस देखे होंगे, बुक्स देख लो ना उठा के आप, मैं पूरा लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको। एन ई एक्स टी तो देख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट तो देख लो बच्चों, यहां पर फिर एक दो तीन। अब आपको देखो पूरा अच्छे से बता दिया, जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है वो भी बता दी है। सर मैंने भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है, और अब पक्का सबको आप अंग्रेज बना, मैं आपको कह सकता हूं, जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, बच्चे वैसे तो कॉन्सनेंट क्लस्टर की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं शायद वो 44 है, 37 है, 36 है। थैंक यू नरेंद्र। सुभाष गुजरपुर है, सर हाउ मेनी कॉन्सनेंट क्लस्टर्स आर देयर, ठीक है ना। कॉन्सनेंट क्लस्टर की बेटा एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो शायद 36 या 37 के लगभग हैं। कॉन्सनेंट क्लस्टर की एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। एक और वर्ड देख लीजिएगा, एस पी एल ई एन डी ई डी, लास्ट एग्जाम्पल। देखो स्प्लेंडिड, इसमें काउंट कर लो, ये इनिशियल शुरू में आया तो इनिशियल, एक दो तीन, तीन आ गए बच्चों। हाँ रेखा प्रजापत 38, थैंक यू राम प्रसाद कह रहे हैं सर आप क्या पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। मैं बेटा कॉन्सनेंट क्लस्टर पढ़ा रहा हूं कि क्लस्टर क्या होता है, और फोनेटिक्स इसके बीच में आ रहा है, फोनेटिक्स में कॉन्सनेंट क्लस्टर आ रहा है, क्लस्टर का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप, एक साथ, और पीछे हिंदी में लिख रखा है, दो या दो से अधिक कॉन्सनेंट्स बिना वाउल के यूज हो तो उसे कॉन्सनेंट क्लस्टर कहा जाता है। आई एम ए लिंग्विस्टिक स्टूडेंट एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट, निधि गुजर, थैंक यू वेरी मच। जिनको ये कॉन्सनेंट क्लस्टर नहीं समझ में आ रहा आप छोड़िएगा, कोई मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दूर दूर तक मत आपको समझा रहा था कि यह कॉन्सनेंट क्लस्टर होता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्सनेंट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रॉम माय साइड। सर वैसे गाइड कौन सी लें जी, मेरी तरफ से तो कोई भी, मतलब कोई भी प्रैक्टिस सेट्स लो बाजार वाले, और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा, क्वेश्चंस सोल्व होने चाहिए अपने,
मटेरियल जो आपको थियरी वाला पोर्शन है वो इसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, इतना आपका किसी में नहीं मिलेगा, और औरों में और भी ज़्यादा। सर इनको बनाते कैसे हैं जो बना रहे हैं जी, वो अभी बताऊंगा दीपिका, अभी तो केवल कॉन्सनेंट हुआ है, अब हम डिस्कस करेंगे वाउल के बारे में। आ जाइए बच्चों, याद कीजिए वाउल साउंड के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं, आप लोगों ने देखा वाउल साउंड्स कितने होते हैं बच्चों, 20 होते हैं। 20 में भी आप लोगों ने इनका और डिवीजन किया था, आप लोगों ने देखा था, इनको बोलते हैं मोनोफ्थोंग्स और दूसरा आप लोगों ने देखा था बच्चों डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स का दूसरा नाम आपने प्योर वाउल्स भी रखा है, इनका एक और नाम भी है सिंगल वाउल साउंड्स, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट बेटा, ऐसा बोलो प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। देखिए जो भी हमारे मोनोफ्थोंग्स हैं वो बच्चों 12 होते हैं, डिफ्थोंग्स की बात करें तो इनका दूसरा नाम ग्लाइड्स भी होता है, और इनकी संख्या बच्चों 8 होती है। एक प्रश्न यहां से पक्का आ जाता है, अभी एक स्टूडेंट मेरे से पहले भी पूछ रहा था कि सर इसका मतलब क्या है, तो मैं अभी बता देता हूं आपको कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, फोनेटिक्स चल रहा है बच्चों। हमने कॉन्सोनेंट पढ़ लिया पिछले 3-4 दिन में, आज हम वाउल साउंड्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। कौन से साउंड्स पढ़ रहे हैं अपन, वाउल साउंड पढ़ रहे हैं, वाउल साउंड, ठीक है। और वाउल साउंड्स में भी अपन लोगों ने क्या देखा आज कि वाउल साउंड्स 20 होते हैं, दीज 20 साउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स का दूसरा नाम प्योर वाउल साउंड्स है, ठीक है, या फिर अपन इनका एक और नाम से जान सकते हैं। सर प्लीज आप स्पेलिंग की हिंदी मीनिंग भी बताओ, कुछ याद नहीं हो रहा है। किसकी बताऊं बेटा, राम प्रसाद कह रहा है कि इनकी हिंदी मीनिंग होता ही नहीं, इनका एकल स्वर ध्वनि और संयुक्त स्वर ध्वनि, मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा ऐसा, जब इनका हिंदी नहीं होता तो कहां से बताऊं। ये तो याद ही करना, मोनो का मतलब एक, पहले का वीडियो देख बेटा, मैंने पढ़ाया भी था। सुभाष गुजर क्या बोल रहे हैं, एम आई रॉन्ग सर, क्या लिख दिया सुभाष, मेरे को नहीं समझ में आया। मोनोफ्थोंग्स होता है एकल स्वर ध्वनि, डिफ्थोंग्स होता है संयुक्त स्वर ध्वनियां। मोनोफ्थोंग्स 12 होते हैं, डिफ्थोंग्स 8 होते हैं, ठीक है। सरिता चौधरी न्यू टॉपिक, नहीं नहीं न्यू टॉपिक नहीं है, फोनेटिक्स में आप कॉन्सनेंट साउंड्स पढ़ ली हैं, व्यंजन ध्वनियां पढ़ ली हैं, अब स्वर ध्वनियां पढ़ा रहा हूं सरिता, ओके डियर। देखो अब आगे कौन से होते हैं ये जरा देखिए, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, मोनोफ्थोंग्स डिफ्थोंग्स कितने होते हैं, ग्लाइड्स कितने हैं, सब आपके सामने पड़े हैं। अब आ जाइए, लो जी सर आज हम मोनोफ्थोंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो संख्या में कितने हैं बोलो, 12। अच्छे से देखिए, अभी अपन मोनोफ्थोंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी कीजिए,
मैंने आज ही क्लास ली। ओके ओके सरिता, डोंट वरी, आप प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस जो क्लासेस के वीडियोज़ हैं आप उनसे गो थ्रू होइए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर अपन फिर से लाइव क्लासेस एक नए बैच में अपन शुरू करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इज राइट गुरु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए पहला साउंड आपके सामने आ रहा है अभी, एक एक साउंड को। सर ज्यादातर हिंदी मीडियम है, आप बोल दीजिएगा, हम वर्ण का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सभी समझ जाएंगे। जरा देखिए कौन सा है, सबसे पहले अपने बात किया ए, एक और होता है बच्चे ए, ठीक है, इस प्रकार से देखा है, दोनों को अच्छे से देखिएगा ए और ए। सर लिखें कैसे, हमें लिखना भी सिखा दो। हाँ ये मैं बता देता हूं, ए को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे, तो इसका बीच का जो है ये हटा दो, ठीक है, ये ए और ऊपर वाला भी ए, दोनों में थोड़ा अंतर देखिए, ये सबसे वीकेस्ट साउंड है इंग्लिश में, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है ये, इस पर बच्चों कभी भी स्ट्रेस नहीं लगता जो ऊपर अपन स्ट्रेस लगाते हैं। इसके बारे में आप दो चीजें याद रखना, इंग्लिश का सबसे वीकेस्ट साउंड जो होता है वो ए होता है, इस पे कभी भी स्ट्रेस नहीं लगाया जाता, हालांकि स्ट्रेस की अपन बात नहीं करेंगे लेकिन फिर भी ध्यान देना, सबसे मरा हुआ साउंड यही है। अपन ए को ऐसे लिखते थे ना, ऐसे, ये वाला ऐसे, तो इसको अपने हटा दिया इस प्रकार से, ये वाली, और ये इसको ऐसे ही कर दिया, वैस देखो नहीं लिखा था क्या, दाड़ू वाला, गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग। दूसरा वाला जो ए है उसको रैपिड ए बोलते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा रैपिड है, झटके से बोला जाता है, ये बोले कैसे जाएंगे वो तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ए के बाद में बच्चों तीन नंबर पर आ गया आ, आ, ठीक है बच्चों, अभी तक हमने तीन देख लिए, पहला देखा ए, दूसरा ए, फिर आपने क्या देखा आ, ठीक है, आ वाला कौन सा, मैं थोड़ा सा मात्रा वाला बता देता हूं, ये वाली जिसमें अपन एक मात्रा लगाते हैं, समझा भी देता हूं थोड़ा सा, जो अपन एक मात्रा लगाते हैं वो वाला आ, जैसे सी ए आर, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं कार, लास्ट वाला रह तो वैसे ही नहीं बोला जाता, तो अब देखो जरा के का के आ, और ये रही मुन्नीराम वाली जो बिंदिया, इसको बिंदिया को जो दो डॉट लगाते हैं अपन लेंथ मार्क बोला जाता है, कोई भी जो लॉन्ग साउंड होता है ना उसके लिए आता है, ए का आ बनाया आ, कौन सा आएगा वो मैं बता दूंगा, कन्हैयालाल भास्कर चिंता क्यों कर रहे हो, मुन्नीराम की बिंदिया आ गई है भाई, ए का जब आ, ठीक है, ए ए आ, जिन शब्दों में ये वाला लगेगा मात्रा, ये आ का सिंबल है आ,
ई, ये ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी, दोनों सही हैं। इसको अपन लिखते हैं ई, क्या लिखेंगे इसको बोलो, ई खा, हाँ रेखा पर जात, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ठीक है, ई में बच्चों देखो ये वाली मात्रा, इधर वाली जो अपन लगाते हैं ई, जैसे आ जाए रीजन, तो हम ऐसे लिखते हैं रीजन। अच्छे से समझ लो आप, रे का तो ये बना रे, बड़ा ई आया क्या, बड़ा ई तो अभी बता देता हूं, बड़ा ई कैसे आएगा, देखो ऐसे एक डॉट ऊपर दो इसके आगे, बड़ा हो गया लो, ये वाला, ये होते ही बच्चों ये बड़े वाली मात्रा आ जाएगी। जय हिंद मुकेश। ऐसा देखना है, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। दो वर्ड देता हूं, एक तो ऊपर वाले का है आर आई एस सी एन, जिसको आप लोग राइजन बोलते हैं, राइज रोज रीजन, इसका उच्चारण ऐसे होता है बच्चों रीजन। और नीचे वाला देख लो आर ई ए एस ओ एन, इसको बोला जाता है रीजन। ऊपर वाले का फोनेटिक ट्रांसक्राइब करता हूं, जरा देखना, रे, रे का ये बना छोटा ई, री, बच्चों एस से जे, कौन सा जे बनता है, जेड वाला बनता है, रीज, ये लो रीजन, ये बन गया ने रीजन। यहीं पर ही लगेगा स्ट्रेस, यहां तो लगेगा नहीं क्योंकि ये ए है, रीजन। हम बोलते हैं राइजन, द सन हैज राइजन, नहीं होगा राइज रोज रीजन, क्लिक, रेखा ने लिखा बिल्कुल अच्छे, क्लिक, आर ई ए एस एन रीजन, बहुत अच्छा वर्ड लिया है मैंने आप लोगों के लिए रीजन। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ पा रहा है, रीजन या किस में भी आएगा, नरेंद्र कह रहा है किस, अब देखो बना के देख लो, के आई एस एस, किस, किसको कैसे बोलोगे, के प्लस ई प्लस से, सभी बच्चे ध्यान से देखो किस को ऐसे लिखेंगे, के का क्या बना, ये लो किस, छोटा ई है ये लो, और एस वाला से सरिता वाला, ये लो किस। अब तो समझ में आने लग गया ना, प्लक में कहां पर आ गए बच्चे, पी एल यू सी के, प्लक का तो ऐसे बन जाएगा प्लक, हो गया प्लक, नहीं नहीं पांच दस मिनट रुको, प्लक दस पे कर देना ना, प्लक, टाइम हो गया है, आगे चलिएगा। ए ए आ, यहां पर ई आ गया तो दो बड़े साउंड आ गए जिन पे मुनिराम वाली बिंदियां, ए ए आ ई ई। अभी अपन डिस्कस करेंगे बच्चों किसके बारे में, ऊ के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे ऊ, आप चाहो तो ऐसे लिख दो चाहे यू लिख दो, ये ऊ है,
कौन से वाला ऊ है, मैं ये भी समझा दूं आपको। जब आप मात्रा लगाते हो ना किसी के, ये वाली हाँ, सुमेर ने कहा विश, बिल्कुल। देखो विश को ऐसे लिखते हैं बेटा हम, विश। तो देखो जरा, व प्लस छोटा ई प्लस श, शंकर वाला, डब्लू वाला वह है तो डब्लू वाला बनेगा, छोटा ई विश शंकर वाला, ये देखो ऐसे बन गया विश। ध्यान देना अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। आपने क्या लिखा है भाई, आर ओ एल एल, रोल वाला लिखा है क्या बेटा? ये रोल नहीं है, राउल होगा, राउल गलत लिखा आपने यहां पर, ये नहीं आएगा एग्जाम्पल। राउल औ का साउंड आएगा। छह नंबर है क्या ये? हाँ, छह नंबर पर आइए। छह नंबर, जैसे वर्ड आ गया फुल, तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, देखो फुल, तो इसका बना लो फे का, तो क्या बनाइए फे, ये इधर वाला ऊ और ये लो ले, फुल बन गया ना, गेटिंग मी ना। और ये बच्चों थोड़ा सा रैपिड भी होता है, थोड़ा जल्दी बोला जाता है, फुल रैपिड। विश में दोनों यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे चलिएगा सात नंबर, ये वाला ऊ, बड़ा ऊ, ये वाला, जैसे वर्ड देख लो आप, सी डबल ओ एल, कुल थोड़ी बोलते हैं, कूल, तो कूल का बना के देख लो बच्चों कैसे बनेगा, कै का तो ये बन गया ऊल, तो आपके सामने बन गया कूल, बिल्कुल सही पकड़ा, स्कूल। स्कूल, फूल, मतलब ये थोड़ा लंबा है भाई, लॉन्गर है, ध्यान देना। दोनों ऊ में अंतर देख लो, ऊपर वाला जो झटके से बोला जा रहा, जैसे फुल फुल। दीपा करिए बुक एंड, अरे बेटा बुक, बुक बोलते हैं या बुक बोलते हैं, बुक तो ऊपर चला गया ना, बुक रैपिड। देखो बोलने का तरीका झटके से आएगा ना, टॉपिक को इजी एंड इंटरेस्टिंग बना दिया सर जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू पूजा, थैंक यू। मून, सन, सन नहीं आएगा, सून आएगा, बिल्कुल सून, मून, स्कूल, टू, बिल्कुल टू आएगा, पुअर इसमें नहीं आएगा, फूल आ जाएगा, बिल्कुल फूल। तो देखो फूल, ये बन गया फूल। बुक का ये आएगा बच्चा बुक, बट मून, जो चीज आज तक टफ लग रही थी वो आराम से हो रही है। हमने एका देखा बच्चों तीन, अभी मैं सात के साथ लिख देता हूं आपके सामने ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। ए, ये भी ए, ये रैपिड वाला है, झटके से बोला जाता है, ये थोड़ा लॉन्गर होगा। फिर क्या आ गया, आ, ई,
ई, ये वाला ई, ए ए आ ई ई, उ, ये थोड़ा रैपिड है, झटके से बोला जाएगा, उ, ये लॉन्गर है, हो गया टाइम। हाँ तो बुक मैंने उसी ऊपर वाले का बताया था। ओके दीपा, होगा मैं टाइम पे रीड करता हूं लेकिन थोड़ा कमेंट लेट आता है दीपा। ग्रूम, बिल्कुल ग्रूम नहीं, ग्रूम जहां लंबा जाएगा ना, मैंने आपको बताया झटके वाला और किस हिसाब से, ठीक है। ब्रूम, बिल्कुल बहुत अच्छा, यू आर डूइंग ऑल वेल। सो आज हमने 7 ध्वनियां पढ़ ली है, कल ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और अपना यूनिट का एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी भाई, 6 यूनिट में से एक यूनिट ही कंप्लीट हो जाएगी। आज हमने 7 क्या देखे हैं बच्चों, 7 साउंड देखे हैं, फटाफट देखो, ए ए आ ई ई ऊ ऊ, ओके। सो नाइस मीटिंग हियर, होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। सर थोड़ा और लीजिए ना प्लीज, अब टाइम हो गया नेक्स्ट टीचर का क्लास का टाइम, ठीक है। दे आर स्टेरिंग एट मी, घूर रहे हैं मेरे को, खा जाएंगे। सर आज तो आपने मेरा एक भी कमेंट रीड नहीं किया, कनिका कह रही है मेरे पास बेटा आया ही अभी है, बहुत ही बढ़िया, ऑल इज वेल ना, सब बढ़िया, ठीक है। पूरा रिकैप करना, पूरा पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आज मैं यही क्लास को, लेट्स कॉल इट अ डे। मेला जी आ गए, दरवाजा खुला है, बिल्कुल बिल्कुल मेला जी आ गए हैं। ये दीपा केवल यही ध्यान रखती है, दुर्दुर का बिल्कुल नहीं पढ़ती है ये, ठीक है ना। सो सी यू टुमारो, गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, एक बात और सुनिएगा, कल थोड़ा सा टाइम में परिवर्तन होगा इंग्लिश की क्लास को लेकर, एंगेज इसमें नहीं आएगा संजय, सोनिया सॉरी, आज तो मजा आ गया सर, थैंक यू। कल की क्लास के टाइम में परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है मैं रात को 1 से 2, 12 से 1, 3 से 4 कितनी भी बजे आ जाऊं, तो थोड़ा जागते रहना, मेला जी आपको सूचित कर देंगे। इतनी लेट नहीं आऊंगा, चिंता मत करना, 9 से 10 के लगभग आ सकता हूं कल की क्लास। ओके, सी यू टुमारो, गुड नाइट फ्रॉम